सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप चंगा सी। सो पिछले दो वीडियोस में हमने एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के बारे में बात किया था, और इन बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको किस तरह की डाइट और ट्रेनिंग रेजिम को फॉलो करना चाहिए, इस बारे में भी जाना था। आज हम एक ऐसे बॉडी टाइप के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के फीचर्स इस बॉडी टाइप में दिख जाएंगे। इसे बॉडी टाइप कहने से बेहतर एक बॉडी कंडीशन कहना सही रहेगा, जिसमें एक पर्सन में लेस मसल मास और फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। ऐसे पर्सन का ओवरऑल फिगर स्किनी होता है, लेकिन उनके एब्डोमेन एरिया में एक्सेस फैट होने की वजह से उन्हें हम स्किनी फैट भी कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द जनरेशन इसी बॉडी कंडीशन में फॉल करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार मिस्टेक्स के बारे में जो स्किनी फैट लोग कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग और डाइट में करते आ रहे हैं, और इन चार मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग उनके सॉल्यूशन को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप भी इस बॉडी टाइप में फॉल करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो इन चार मिस्टेक्स को जानने से पहले हम बात करेंगे कि क्या आप इस बॉडी टाइप में फॉल करते हैं। अगर आपने कभी वेट लिफ्ट नहीं किए हैं और आप एक्सेस जंक फूड कंज्यूम करते हैं और कपड़ों में आप स्किनी दिखते हैं और आपके एब्डोमेन एरिया के अराउंड फैट मौजूद है, तो आप स्किनी फैट हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक के बारे में। फर्स्ट, बीइंग इन एक्सेस कैलोरी डेफिसिट। जहाँ एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप कैलोरी सरप्लस और एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, स्किनी फैट लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो पहले कट करे या बल्क, और काफ़ी लोग अपने एब्डोमेन एरिया से फैट को रिमूव करने के लिए एक्सेस कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं। इससे अपनी बॉडी से फैट को तो रिमूव कर पाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी में मसल मास कम होने की वजह से आपका फ्रेम स्किनी ही रहेगा। आपका मेन गोल मसल गेन के साथ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ फैट लॉस करने का होना चाहिए। इस अप्रोच को हम बॉडी रिकॉम्पोजिशन भी कहते हैं। शुरुआत में आप अपनी मेंटेन्स कैलोरी से 200 टू 300 प्लस कैलोरी को कंज्यूम करते हुए कैलोरी सरप्लस में रहे। एक महीने में 1 to 2 pounds मसल्स को इंक्रीज करना और 2 to 3 pounds फैट को डिक्रीज करना आपके लिए एक आइडियल अप्रोच है। और अगर आप एक न्यूबी है तो आपके लिए नंबर डबल भी हो सकते हैं, पर ध्यान रखें कि अपनी कैलोरीज को 80 to 90% हेल्दी सोर्सेज से कंज्यूम करें। सेकेंड पॉइंट, लिफ्टिंग लिटिल टू नो वेट्स एट ऑल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि स्किनी फैट लोगों के लिए मसल मास को इंक्रीज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए रेस्टोरेंट ट्रेनिंग उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बहुत से लोग काफ़ी समय तक जिम जाने के बाद भी अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जिम में रैंडम अप्रोच के साथ एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। आपका गोल आइसोमेट्रिक और लाइट वेट्स को उठाने की जगह कंपाउंड मूवमेंट्स और हैवी वेट्स की तरफ होना चाहिए। सो लोअर वेट्स और हाई रेपिटेशन करने की जगह पे आपको हैवियर वेट और लेस रेपिटेशन को परफॉर्म करना चाहिए, और कंपाउंड लिफ्ट्स जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, डिप्स को अपनी एक्सरसाइज रूटीन में फॉलो करना चाहिए। ये कंपाउंड लिफ्ट्स आपकी बॉडी में काफ़ी सारी मसल्स को एक साथ इंगेज करती है, और मसल मास को इंक्रीज करने के लिए ये आपका सबसे बेस्ट बेट है। एंड हाई अमाउंट ऑफ मसल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज। इस पिक्चर में दोनों पर्सन का बॉडी वेट सेम है, लेकिन जहाँ एक पर्सन का बॉडी फैट ज़्यादा है वहीं दूसरे पर्सन का मसल मास ज़्यादा है। सो अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करके और मसल मास को इंक्रीज करके आप अपने बॉडी फ्रेम में बिना ज़्यादा वेट इंक्रीज करे एक एस्थेटिक लुक को अचीव कर सकते हैं। थर्ड मिस्टेक है कंज्यूमिंग लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक कम है तो आप अपनी मसल को सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से महरूम कर रहे हैं। आपकी मसल्स 80% प्रोटीन से ही बनी होती है, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ प्रोटीन इंटेक को भी हाई रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन मसल बिल्डिंग कॉम्पोनेंट होने के साथ साथ ये आपको ज़्यादा समय तक फुल भी लगता है, इस वजह से आप ओवर ईटिंग में इंडल्स नहीं होते हैं और एक्सेस फैट को भी अवॉइड कर पाते हैं। एक जनरल थंब रूल के लिए आप 0.8 टू 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट कंज्यूम करें। और फोर्थ मिस्टेक है डूइंग एक्सेस कार्डियो। कार्डियो एक्सरसाइज बेसिक आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन स्किनी फैट कंडीशन में इसे मॉडरेशन में करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि एक्सेस कार्डियो और एक्सेसिव कैलोरी डेफिसिट एक बढ़िया तरीका है अपनी मसल मास को लूज करने का। सो अपने कार्डियो सेशंस को आप 2 से 3 दिन तक लिमिटेड रखें, और इन कार्डियो सेशंस में आप लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट को परफॉर्म करें। इन्हें आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इन्हें 5 से 10 मिनट तक ही रिस्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कार्डियो आपकी मसल मास को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। लो इंटेंसिटी कार्डियो जैसे वॉकिंग को आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को बिना ज़्यादा स्ट्रेन दिए आपको एक्सेस कैलोरी बर्न करने में हेल्प कर सकती है। सो इन चार मिस्टेक्स को अवॉइड करके इनके सॉल्यूशन पर फोकस करके आप अपने मनचाहे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। काफ़ी स्किनी फैट लोग
हेल्थी वेट रेंज में होने के कारण इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में हाई परसेंटेज ऑफ विसरल फैट होने के कारण ये उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के प्रति दुर्लभ बना देता है। सो ना सिर्फ एस्थेटिक लुक के लिए बल्कि अपने आप को हेल्दी और बीमारी से दूर रखने के लिए आपको एफर्ट्स जरूर डालने चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं कि मैं किसी नई टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।